नमस्कार, मैं हर्षवर्धन। इससे पिछले वीडियो लेक्चर में हमने बात करी थी कि कंप्यूटर क्या होता है, इनपुट आउटपुट एंड प्रोसेस क्या हैं। अब हम इस बारे में बात करेंगे कि कंप्यूटर में लगी अलग अलग आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं। इस लेक्चर के माध्यम से हम यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि मॉनिटर प्रिंटर क्या हैं, मॉनिटर और प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं, इनका उपयोग हम कंप्यूटर में कहाँ कहाँ कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं मॉनिटर्स के बारे में। कंप्यूटर का वह हिस्सा जो आमतौर पर चित्र और पाठ दिखाता है, मॉनिटर या डिस्प्ले यूनिट कहलाता है। मॉनिटर भी विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। 2 दशक पुराने टेलीविजन की तरीके से दिखने वाले मॉनिटर को सीआरटी मॉनिटर कहा जाता था। आजकल मार्केट में एलसीडी या टच स्क्रीन मॉनिटर आ गया है, जो सीआरटी की तुलना में ज़्यादा पतले एवं कम बिजली खर्च करने वाले उपकरण हैं। टच स्क्रीन जैसे मॉनिटर पर आप उंगली से टच कर कमांड्स को चला सकते हैं, जैसा कि आप में से बहुत से लोगों ने बैंक के एटीएम से स्क्रीन टच कर पैसा निकालने के लिए कमांड्स दिया होगा। नई टेक्नोलॉजी कंप्यूटर वो मॉनिटर को एक साथ बना रही है। उन्हें आमतौर पर ऑल इन वन डेस्कटॉप कंप्यूटर के रूप में जाना जा सकता है। अब हम प्रिंटर के बारे में बात करते हैं। प्रिंटर एक अन्य लोकप्रिय आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर को कागज पर डेटा या इंफॉर्मेशन चित्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है। इसको हम हार्ड कॉपी भी कहते हैं, जबकि देखी गई सूचना सॉफ्ट कॉपी कहलाती है। इस प्रकार प्रिंटर एक ऐसी आउटपुट डिवाइस है जो सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में परिवर्तित करती है। प्रिंटर को भी निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है, इम्पैक्ट प्रिंटर एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। आइए एक एक कर प्रिंटर के बारे में और भी जानें। इम्पैक्ट प्रिंटर वे प्रिंटर होते हैं जो अपना इम्पैक्ट यानी प्रभाव छोड़ते हैं। जैसे टाइपराइटर प्रिंटिंग की विधि होती है, जिसमें धातु का एक हैमर या प्रिंट हैंड हेड लगा होता है, जो कागज या रिबन से टकराता है और अक्षर उभर कर पेपर पर छाप छोड़ते हैं, यानी इम्पैक्ट डालते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर कई प्रकार के होते हैं, जैसे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, चेन प्रिंटर एंड ड्रम प्रिंटर। आइए डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के बारे में जानें। यह एक इम्पैक्ट प्रिंटर है, अतः प्रिंटिंग करते समय यह बहुत शोर करता है। इस प्रिंटर के प्रिंट हेड में अनेक पिन का एक मैट्रिक्स होता है और प्रत्येक पिन के रिबन और कागज पर स्पर्श से एक डॉट छपता है। अनेक डॉट मिलकर एक कैरेक्टर बनाते हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर प्रिंट का उपयोग वहां किया जाता है जहां पर हमें उच्च गुणवत्ता या ग्राफिक्स का उत्पादन नहीं करना होता। इस प्रिंटर की प्रिंट क्वालिटी भी उतनी अच्छी नहीं होती, लेकिन ये कॉस्ट वाइज कम खर्चीला है। इसी प्रकार से डेजी व्हील प्रिंटर, यह सॉलिड फॉन्ट वाला इम्पैक्ट प्रिंटर है। इसका नाम डेजी व्हील इसलिए दे दिया गया क्योंकि इसके प्रिंट हेड की आकृति एक पुष्प जिसे डेजी कहते हैं उससे मिलती जुलती है। डेजी व्हील प्रिंटर धीमी गति का एक प्रिंटर है, जिससे आउटपुट की स्पष्टता उच्च होती है। इसलिए इसका प्रयोग लेटर आदि छापने में होता है और यह क्वालिटी प्रिंटर भी कहलाता है। लाइन प्रिंटर, यह भी एक इम्पैक्ट प्रिंटर है। इस प्रकार के प्रिंटर एक बार में एक करेक्टर छापने की बजाय एक लाइन पृष्ठ को एक बार में छाप सकते हैं। इसकी छापने की गति 300 से 3000 लाइन प्रति मिनट होती है। लाइन प्रिंटर 3 प्रकार के हो सकते हैं, ड्रम प्रिंटर, चेन प्रिंटर एंड बैंड प्रिंटर। आज की डेट में इनका प्रयोग नहीं या बहुत कम होता है। अब हम चलते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स के बारे में बात करने के लिए। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में प्रिंट हेड या कागज के मध्य संपर्क नहीं होता। इसको 2 भागों में बांटा जा सकता है, जैसे इंकजेट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर में स्याही के 4 नोजल होते हैं, नीला, लाल, पीला एवं काला। इसलिए इसको CMYK प्रिंटर भी कहा जाता है, तथा ये चारों रंग मिलकर किसी भी रंग को उत्पन्न कर सकते हैं। इसलिए इनका प्रयोग
सभी प्रकार के रंगीन प्रिंटर में किया जाता है। इस प्रिंटर का आउटपुट बहुत स्पष्ट होता है क्योंकि इसमें अक्षर का निर्माण कई डॉट्स से मिलकर बना होता है। इस प्रिंटर में एक मुख्य समस्या यह है कि इसके प्रिंट हेड में इंक क्लोगिंग हो जाती है। यदि इससे कुछ समय तक प्रिंटिंग न की जाए तो इसकी नोजल के आउटलेट पर स्याही जमा हो जाती है, जिससे उसके छिद्र बंद हो जाते हैं। इस समस्या को ही इंक क्लोगिंग कहा जाता है। लेज़र प्रिंटर प्रिंट करने के लिए लेज़र किरण का उपयोग करता है। ये भी उच्च गुणवत्ता देने के साथ साथ महंगे होते हैं। इस प्रिंटर में कार्ट्रिज का प्रयोग किया जाता है, जिसके अंदर सूखी स्याही यानी इंक पाउडर के रूप में होती है। लेज़र प्रिंटर के कार्य करने की विधि मूल रूप से फोटोकॉपी मशीन की तरीके से होती है, लेकिन फोटोकॉपी मशीन में तेज रोशनी का प्रयोग किया जाता है। लेज़र प्रिंटर 300 से 6000 DPI, जिसे आप डॉट पर इंच कहते हैं, तक या उससे अधिक रेजोल्यूशन की छपाई कर सकता है। लेज़र प्रिंटर की कई विशेषताएं होती हैं, जैसे उच्च रेजोल्यूशन, उच्च प्रिंट गति, बड़ी मात्रा में छपाई के लिए उपयुक्त और कम कीमत पर छपाई। ये कुछ लेज़र प्रिंटर की विशेषताएं हैं, जिनके कारण से अधिकतर ऑफिसेस में हम लेज़र प्रिंटर्स का आजकल के समय में उपयोग कर रहे हैं। आशा है इस लेक्चर के माध्यम से आप कंप्यूटर्स के बेसिक आउटपुट डिवाइस के बारे में जान पाए होंगे। इस लेक्चर के बाद भी कुछ शंका या प्रश्न दिमाग में आ रहे हों तो अपने प्रश्न elearning.uou.ac.in पर लॉगिन कर क्वेश्चन फॉरम में डाल सकते हैं। धन्यवाद।